हाय एवरीवन, दिस इज़ विशारी वाधवा और आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए वो है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ एयर ट्रैवल का। मेरी डॉटर अभी 9 मंथ्स की हुई है और उसने ऑलरेडी 3 ट्रिप्स कर लिए हैं बाय एयर। तो मैं चाहती थी कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इतने छोटे बेबी न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स के साथ। तो हम शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रोलर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि स्ट्रोलर को कैरी करना कितना ज़रूरी है या कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पास 2 स्ट्रोलर्स हैं, वन इज़ 15 kg एंड वन इज़ 5 kg। मेरे को 5 kg का स्ट्रोलर कैरी करना बहुत ईजी लगता है और बहुत यूज़फुल लगता है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे एक गेट से दूसरे गेट में जाने के लिए या अपने बोर्डिंग गेट तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो स्ट्रोलर इज़ अ मस्ट। आप चेक कर सकते हैं कि जो उनसे एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं वहाँ पे वो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ स्ट्रोलर्स प्रोवाइड करती हैं या नहीं। जैसे दिल्ली में वो करती हैं जो बोर्डिंग गेट तक आप यूज़ कर सकते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं, और हम अपना स्ट्रोलर लेके जाते हैं तो हम अपना स्ट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप ये पहले एडवांस में पता कर लें कि आपके जहाँ पे आप जाने वाले हैं वहाँ पे स्ट्रोलर अवेलेबल है या नहीं एयरपोर्ट्स पे। और जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको देखना है कि आपको स्ट्रोलर्स की कितनी नीड है। फॉर एग्जांपल, आप लंच करने डिनर करने गए हैं, आपका बेबी सो गया है, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो स्ट्रोलर में आप इजीली उसको सुला सकते हैं। और मेरा हमेशा से सबको सजेशन यही रहता है कि आप हल्के वाला स्ट्रोलर ही लीजिए, बिकॉज जो कैरी करना ईजी रहे जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल के शौकीन हो। सेकेंड इज़ कैरियर बेल्ट। यस, जब आपका बच्चा काफ़ी छोटा है और आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो कैरियर बेल्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। एक तो मेरे को खुद किसी ने सजेस्ट किया था, जो आपकी बेल्ट हो वो बहुत ज़्यादा खुद का वेट नहीं होना चाहिए उसका। डब्ल्यू शेप कुछ मैकेनिज्म होता है उसमें, बेबी की जो लेग्स हैं वो हिप एंड लेग और नीज़ का जो है पोस्चर वो W बनना चाहिए ताकि उसके हिप और बैक को सपोर्ट मिले, और या फिर हिप सपोर्ट वाले बेबी कैरियर्स भी आते हैं, जो बेल्ट कैरियर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्वियसली इतना छोटा बेबी है तो या तो आप उसको ब्रेस्ट फीड कराते होगे या फिर वो जो है फॉर्मूला मिल्क लेता होगा। उसके लिए आपको एक पानी की बॉटल लेनी है मीडियम साइज़ की, मिल्टन की, जिसमें ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके ही आपको लेके जाना है ताकि ये हैसल से आप फ्री हो जाओ कि वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करना है। दैट इज़ अ मस्ट। सेकेंड, आप बच्चे के लिए स्नैक्स लेके जा सकते हो अगर वो 6 महीने से ऊपर और वो उसने कुछ खाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए आपको एक कप चाहिए होगा लिड वाला। और बनाना आप लेके जा सकते हो, जो बनाना केस में आप लेके जा सकते हो, और कुक्ड दाल जो है वो आप लेके जा सकते हो मैश करके। मैं हमेशा कुक्ड दाल एक उसकी बॉटल, छोटी बॉटल में लेके जाती हूँ, जो ढक्कन खोला और सीधा स्पून से उसको दे दिया। बिरयानी के लिए आपको स्पून और फॉक भी चाहिए होगा इन केस आप उसको वहीं पे मैश करना चाहते हो। तो देन मैश्ड पोटैटो आप लेके जा सकते हो, भुनी हुई सूजी लेकिन पकी हुई, ताकि आप उसमें सीधा मिल्क ऐड करें और वो रेडी टू गो जाए, आप खिला दें उसको। देन डाइपर्स, ऑब्वियसली डाइपर्स चाहिए ही चाहिए। डाइपर चेंजिंग मैट आप कोशिश कीजिए आप लेके जाइए, क्योंकि जहाँ पे भी आप चेंज करेंगे आपको कुछ भी पता नहीं है कि वो वाला सरफेस कैसा है, आप कितना साफ करेंगे उसको। इससे अच्छा आपके पास डाइपर चेंजिंग मैट होना चाहिए। कई बार तो सीट पे बैठ के हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो अभी फ्लाई कर रहा होता है और बच्चे पूप कर देते हैं, तो उस केस में आपको वहीं पे ही डाइपर चेंजिंग मैट बिठा के अपनी सीट पे ही उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो इस केस में डाइपर चेंजिंग मैट इज मस्ट। वाइप्स, बैग्स फॉर थ्रोइंग डाइपर्स, यूज्ड डाइपर्स, उसके लिए अमेज़ॉन से एक बहुत अच्छा सा ट्रैश बैग का वो मिलता है जो आप अपने बैग के साथ हैंग कर सकते हो, उसमें रोल्स होते हैं एक्स्ट्रा,
आप वो लेके जा सकते हैं। देन ऑब्वियसली टॉयज़ में पैसिफायर और टीथर भी ऐड करूँगी, बिकॉज हमेशा बोलते हैं डॉक्टर्स की फ्लाई करते हुए लाइक और लैंड करते हुए बच्चों के कान में प्रेशर बनता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सक करते रहना है, जिसके लिए पैसिफायर्स और टीथर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है उस टाइम तो, और अगर वो सो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे टाइमिंग सेलेक्ट कीजिए जिसमें बच्चा सो जाता है, या कोशिश कीजिए वो सो जाए उस टाइम। देन बर्ब टॉल, बर्ब क्लोथ्स, बिब्स, हैंकीज, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है ही हैं। अगर बच्चे पानी पीते हैं तो पानी के लिए वाटर बॉटल या सिपर, कुछ भी जो भी आपका बच्चा पसंद करता है, एक छोटा पिल्लो और एक शीट उसको ओढ़ने के लिए, क्योंकि प्लेन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बच्चे जब सोते हैं तो उनको ठंड लगती है, तो एक छोटा सा पिल्लो आप अपने साथ रखिए, ताकि एक तरफ पिल्लो रख के उसको बच्चे को सुला सकें और उसे उड़ा सकें। और मेडिसिन्स तो नहीं खैर बोलूँगी, लाइक बच्चों को बाहर जाते हैं, एलर्जीज होती हैं, कुछ होता है, इतने सारे लोगों के साथ मिलना होता है, तो एक नेज़ो क्लियर ज़रूर सलाइन वाटर आता है, वो आप अपने पास रखें, ताकि बच्चों को नेज़ल कंजेशन हो या कुछ भी हो तो आप डाल दें, वो मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। उसके बाद कॉटन पैड्स, अगर उनके कान में आपको लगता है ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो, और बच्चा सो भी नहीं रहा है, तंग हो रहा है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि वो कितना ज़्यादा कारगर है, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और दो ड्रेसेस, अगर बच्चे अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, कुछ गिर जाता है खाना या और किसी भी केस में, दो ड्रेसेस आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे ध्यान में थी, मैं चाहती हूँ कि आप सब इन लोगों का ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी ऐसा है कि बच्चों के सारे ट्रैवल्स, सब बच्चों का ट्रैवल अलग अलग होता है, मेरे बच्चे का जो एक्सपीरियंस हो सकता है आपके बच्चे का ना हो, हो सकता है कि उसका एक ट्रिप अच्छा जाए, दूसरे ट्रिप में वो क्रैंकी हो जाए, तो हमारा बच्चों पे कोई जोर नहीं चलता, जैसे भी हैं वो, हमें उनको कंफर्टेबल करने के लिए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं हम वो करते हैं, और हमें करना चाहिए। और सो इतना ही मैं अपनी वीडियो में बताना चाहूँगी, गुड लक आपके नेक्स्ट एयर ट्रैवल के लिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने आपसे शेयर करा, कुछ आप चाहते हैं कि मैं लिंक्स आपसे शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ ट्रैवल, एंजॉय योर ट्रिप, हैप्पी मदरहुड।